बता दूंगा वैसे, स्कॉर्पियो है पर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कौन सा है अगला पिछला क्या कैसे करना है, थोड़ा तो खुद भी करना है ना। आई वाज द फर्स्ट वन टू डू दिस। ये गार्ड भी स्टॉक है ओके, इसमें जो पिकअप में आता था गार्ड टाइम गोस फॉर द लाइट्स। ये लाइट्स कहां बताओ, ये 943 है अभी। ये रेशियो मेरे को अच्छी लगी क्योंकि टॉर्क बहुत अच्छा है। फिर क्लच की प्रॉब्लम आ रही थी, क्लच के लिए क्लच मैंने इसमें अलग अलग ब्रांड्स के भी ट्राई खुद से बना रखा है एंड कैन। ये भी खाना लेके बैठ के एंजॉय करो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे मेन क्या है, मुझे ऐसा लगता है भाई आज तक इससे सुंदर, ठीक है, इससे एग्रेसिव बुलेरो मैंने देखी नहीं है। मुझे बस बस भाई ज्यादा आगे नहीं है यार दोस्तों, भाई भाई बस बस बस, स्पीड देखो, पावर देखो भाई, तो यार बोहोर तो मिहिर गिल के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे रवि गाल्टा। भाई पहले तो बताओ क्या हाल चाल है रवि गाल्टा, मुझे बताओ हिमाचल में अपना नाम इतना अच्छा खासा है, एक बुलेरो हमने तैयार कर रखी है, एक गाड़ी से एक बंदे का नाम इतना हो सकता है, वो मैंने देख तो लिया है इस फील्ड में, ठीक है। पर हिमाचल में यार काफ़ी अच्छा खासा आपने काफ़ी अच्छा सिस्टम कर रखा है, ठीक है। मुझे जरा पहले ये बता दो हु इज़ रवि गाल्टा, एक इंट्रोडक्शन हो जाए पहले ऑडियंस के लिए। भाई रवि गाल्टा तो मैं यूँ बेसिकली आई एम फ्रॉम ट्यूक, शिमला में ही रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं, गाड़ी की मैं लगे हुए अभी तैयार करने इसको, इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी तो बहुत कुछ है करने को। पर जैसी मुझे दिख रही है यार ये भी अपने आप में वन ऑफ वन है, ठीक है। हमने ऑफ कैमरा बात करी है कि परफॉर्मेंस में बुलेरो में काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, वही ऑन द अदर हैंड हमने परफॉर्मेंस में ध्यान दिया है, ठीक है। मुझे बता दो हम अपनी अपने बुलेरो को वन ऑफ वन क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या सीन है जरा ये बता दो एक बार। वन ऑफ वन एक तरीके से है भी है, बिकॉज पावर वाइज तो कोई भी नहीं जा रहा इंडिया में इस पे। फिर उसके बाद ये है कि इस गाड़ी पे काम करना इजी नहीं है, इसके लिए ना यूट्यूब वीडियोस मिलेगी ना कुछ मिलेगा, अगर पावर बढ़ानी है कुछ भी करना तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जितना कुछ भी किया है सब कुछ पहले कोई चीज़ छोटा सा जुगाड़ कुछ किया उसको किया, फिर ट्राई किया नहीं चला, फिर अपग्रेड किया। सेम इसके स्प्रिंग्स में लिफ्ट करना है इसको टास्क था, IFS में लिफ्ट नहीं हो पा रही थी ये। अच्छा। अगर करते हैं इसके लिए, अगर किसी और गाड़ी का फिट भी बैठता तो मैं 1.5 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर सकता इस पर। अच्छा, इतना मेरे पास बजट नहीं है, मेरे को खुद से ही करना है, जो कमाया इसी पे लगा रहा हूँ, घर से नहीं लेता तो जो है भैया। तो सारा कस्टम किया है इसमें? हाँ जितना हो सकता है अभी लगा हुआ हूँ। एक बार स्टार्टिंग से बात करें कि बुलेरो कैसे, मतलब एक प्लान बनाया कि यार देखो एक इंडिविजुअल बुलेरो मुझे लगता है बहुत अपने आप में रेयर चॉइस है ये, कि मुझे बुलेरो लेनी है अपने लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मेरी ये चॉइस नहीं थी। अच्छा, ये मेरे को सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी, अगर खुद से रेडी करनी है तो मेरे को ये स्ट्रेस मेरे पेरेंट्स पे भी नहीं चाहिए कि ये गाड़ी तैयार करने के लिए मैं बार बार उनको बोलूँ। जो मेरे को लगा कि मैं अपनी पॉकेट से कर सकता हूँ तो सबसे सस्ती बड़ी गाड़ी में यही है। अच्छा। मेरे को ऑफ रोडिंग का शौक है वैसे। हाँ। तो जो बजट में था यही ऑप्शन था क्योंकि इसका सामान सस्ता है, किसी भी बड़ी गाड़ी से कंपेयर करें स्कॉर्पियो वगैरह से करते किसी से भी तो सामान में दिन रात का फर्क है। अच्छा, तो ये पॉकेट फ्रेंडली है। मैंने कितने की ली थी ये उस वक्त? ये मैंने महंगी ली थी थोड़ी उस टाइम के प्राइस के हिसाब से, ये 2021 में ली है इस मैंने। अच्छा, बिल्कुल स्टॉक थी ये, 430 के आसपास ली थी। अच्छा। हाँ जी। और मॉडल कौन सा थी ये? 2014 मॉडल। 14 मॉडल है, जस्ट फॉर कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन इसके लिए। हाँ। अच्छा, तो इसके पहले कौन सी गाड़ियाँ ओन करी आपने? इसके पहले मेरे पास मारुति 800 होती थी। हाँ, हिमाचल में कंपलसरी है मुझे लगता है ना। हाँ, यहाँ पे तो सीखा ही उसमें। उसके बाद मारुति 800 के बाद ऑल्टो थी एंड देन इसको लिया। अच्छा, बीच में मैंने पिकअप मॉडिफाई की थी अपनी स्टॉक, वो घर पे खड़ी थी तो जो बेस्ट ऑप्शन मिला मैंने वो कर दिया। रवि मैं बता दूँ यार अपने घर में कि ना मैं बुलेरो को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन ओनर्स को जो बुलेरो ओन करते हैं और उसको एक अपनी टेस्टफुली कस्टमाइज करते हैं और शोकेस करते हैं ऐसे, क्योंकि ब्रो बुलेरो लेना ही मैं बोलता हूँ काफ़ी आउट ऑफ बॉक्स है आज भी। हाँ, बुलेरो वैसे अंडरडॉग है ना कोई, इसको बेसिकली अगर मैंने पावर इसकी बढ़ाई भी है, इसकी स्टॉक पावर बहुत अच्छी है, इसके जो स्टॉक इंटरनल्स है मैकेनिकल्स है ये ऑलरेडी इतना अच्छा है, बेसिकली है क्या पिकअप का सामान सारा लगा हुआ है, गियर से लेके इंजन से लेके जो DI पिकअप आती है बेसिक सब कुछ वही है। DI में आपने सेंसर्स ऐड कर दिए, फ्यूल वगैरह के लिए पंप एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको M2 DICR कर दिया कॉमन रेल। ओके, ये बेसिकली DI इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है पिकअप्स में कितना लोड जाता है। मैकेनिकल पंप है उसमें, उसको आप मैन्युअली भी ट्यून कर सकते हो, फ्यूल बढ़ा सकते हो, एयर एडजस्ट की जा सकती है इसकी। जो पुराने हमने वैसे पिकअप देखे हैं उसमें जो DI इंजन आते हैं उनमें ECU अगर नहीं भी हो तब भी मतलब। हाँ, वो नॉर्मल इंजन है ना, विदाउट सेंसर है वो डायरेक्ट चल जाएगा। ओके, तब तो फिर ऑफकोर्स अगर ऐसी बात है तो ब्रो ये तो आपने काफ़ी एक्सट्रीम लोकेशंस पे भी इसको ले गए होगे।
एक्सट्रीम लोकेशंस पर शिमला से बाहर ये ज़्यादा गई नहीं है क्योंकि ले जा ही नहीं सकता मैं इसको। अच्छा, चलान ही चलान हो जाएंगे। बाकी हाँ, यहाँ पे जितना कर सकते हैं इसका एक्सट्रीम टेस्टेड है यार। अभी मैं अपनी फीलिंग्स को ना अच्छे से इस वीडियो में दिखाना बताना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ ऑडियंस को कि यार एक बार जरा इसका लुक देखो, ठीक है? कोई बॉडी किट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरा हैंडमेड ही बोल सकते हैं एक तरीके से। आपने मेटल मेटल बंपर्स भी हैं, ये बंपर स्टॉक है इसका बेसिकली। आई वाज द फर्स्ट वन टू डू दिस। ओके, गार्ड भी स्टॉक है। ओके, मैं जो पिकअप में आता था गार्ड डायरेक्ट हटा इसका, तभी इसकी शेप प्रॉपर है, वो चॉप किया था स्टॉक बंपर के ऊपर लगाया था और साइड से थोड़ी ऑल्टरेशन करके। मेरे को लुक सबसे पहले तो यूनिक चाहिए थी, सबसे अलग। सेम गोज फॉर द लाइट्स। ये लाइट्स कहाँ बताओ, ये भी काफी अग्रेसिव सी एक टच दे रही है लाइट ना। हाँ, ये भी खुद का काम है मेरा सारा ना, कस्टम किया है। हाँ, पूरे का पूरा खुद किया हुआ है। कैसे, मतलब मुझे जरा ये बताओ क्या इसके अंदर रिंग हो गया? रिंग प्रोजेक्टर है, कॉप चिप वाली रिंग्स है। हाँ, बस यही है, ज्यादा नहीं मेरे को कलर्स वाला इतना अच्छा नहीं है अभी। अच्छा, अब खुद से बनाऊंगा कुछ यूनिक नया। और फिर जरा बात करते हैं यार, इसको लिफ्ट करने में क्या दिक्कत आई और परफॉर्मेंस हमने इसको कैसे कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाया है विदाउट ट्यून? लिफ्ट करना, पहली चीज मैं लिफ्ट का बताता हूँ। लिफ्ट करना बेसिकली इस गाड़ी को, अगर आप लिफ्ट करते हो टेक्निकली आप सिरदर्दी खरीद रहे हो बोलेरो, ये रिलायबल नहीं है। अच्छा, पहली चीज इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से, ये जो कंपनी से आती है इसमें बॉल जॉइंट की प्रॉब्लम है। ओके, वो कंपनी से ही प्रॉब्लम है, तो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हो आप उसको। वो बॉल जॉइंट बहुत इरिटेट करता है, उसका कुछ नहीं पता कब टूट जाए। प्लस फिर 10J ऑफसेट रिम्स एंड बड़े टायर, अभी तो खैर छोटे हैं बट प्रॉब्लम करते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कैसे किया फिर उसको लिफ्ट, क्या कहानी रही है वो भी जरा हो जाए इसकी कहानी रफली। जब ली थी लिफ्ट तो मैंने जिस दिन लेके आया था पहले दिन टायर्स डाले थे, सेकेंड डे स्प्रिंग्स चेंज किए थे। चेंज करने के बाद भी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट टायर पे ही बैठी हुई थी। अच्छा, उस टाइम तो टायर भी छोटा था पर वो टायर टच करता था। अच्छा, चलाना तो दूर की बात, मैं वहाँ जगह से भी नहीं निकाल सकता था। फिर जैसे तैसे रगड़ते हुए लेके आए वहाँ से। हाँ, फिर स्प्रिंग चेंज किया, स्प्रिंग चेंज करने के बाद वो नहीं काम आया। फिर एक और गाड़ी का ढूंढा, वो नहीं लगा। फिर सुमो का लगाया था बीच में, वो बहुत स्टिफ है। अच्छा, फिर सफारी का बताया था किसी ने, वो मैंने ट्राई ही नहीं किया। फिर जो अब स्प्रिंग है, मैं बता दूंगा वैसे स्कॉर्पियो है पर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कौन सा अगला पिछला क्या कैसे करना है, थोड़ा तो खुद भी करना है ना। तो बाकी इसमें पीछे तो पट्टे हैं, पीछे तो सिर्फ आपका नॉर्मली तड़े देके हो जाता है। पीछे मतलब कमानी है। हाँ जी, कमानी है ना। तो एक स्प्रिंग से मतलब इतना इफेक्ट आ गया इसमें, इतना स्प्रिंग नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी ऑल्ट्रेशन होती है। अब सब कुछ तो क्या क्या बताऊँ, इसमें बेसिकली है सारा जुगाड़ क्योंकि मैनुअली किया हुआ है। हाँ, अगर इसके लोअर सिंगम का एंगल भी चेंज करना है वो हमने मैनुअली किया हुआ है सब, वो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जरा हो जाए इन डिटेल। यार ये ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स वीडियो कर दो रवि, मैं बोलता हूँ ना यार, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, हमने रॉ तरीके से किया हुआ है। अगर एंगल आपके लोअर सिंगम का सीधा है ना, उसको बस हैमर करके गर्म किया, मोड़ दिया हल्का सा ताकि बॉल जॉइंट पे स्ट्रेस ना पड़े। ओके, हाँ जी। और साथ में इसमें पैड्स वगैरह है, शॉकर्स दूसरे डले हुए हैं, तो काफी कुछ है इस, तो अगर डेप्थ में जाएंगे पर इतना कुछ इसमें मैं सीधी सी बातें बोलूंगा वर्थ नहीं है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, सॉलिड एक्सल मेरी हो जाएगी, मैं खुद भी सॉलिड एक्सल पे जाऊंगा, सॉलिड एक्सल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। सॉलिड एक्सल तो यार हमने एक बुलेरो देखी भी है सॉलिड एक्सल में। अच्छा, मुझे ये बताओ परफॉर्मेंस के लिए फिर कैसे कैसे क्या किया है जरा वो इन डेप्थ बताओ यार। परफॉर्मेंस ट्यून नहीं किया आपने ना, क्योंकि विदाउट ट्यून कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाई है नहीं सकता होगा क्योंकि ECM इसका रिलायबल नहीं है, इसमें ऑलरेडी इतने ग्लिचेज है। अगर इसको हल्का सा हाफ क्लच पे जोर लग जाए गाड़ी का, कहीं आप लोड खींच रहे हो या कुछ स्टो कर रहे हो, तो अगर हाफ क्लच पे जोर लग गया ये 160 पे लॉक हो जाएगी और RPM 2000 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर गाड़ी बंद करो फिर स्टार्ट करो, ये इसमें स्टार्टिंग से एक ग्लिचेस। अच्छा, हाँ जी। तो ECM मेरे को वर्थ नहीं लगा, 20-25 हज़ार मरवाऊँ फिर वो ECM उड़ जाए, गारंटी तो ECM की देगा ना बंदा। ECM अगर उड़ जाए, वो इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो बंदा भी क्या कर लेगा, बंदा भी क्या कर लेगा। तो कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाई फिर? मेन तो मेरे को हॉर्स पावर से कोई मतलब नहीं था, मेरे को टॉर्क ज़्यादा चाहिए था। तो टॉर्क के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इसमें आता था, स्टॉक 11:43 की रेशियो थी, 11:43 या 47 कुछ ऐसा था। फिर मैंने चेंज करके 10:43 किया, उसमें पावर बड़ी हल्की सी बट प्रॉब्लम वही थी, क्लच प्लेट 3,000-3,000 किलोमीटर में क्लच प्लेट ख़त्म हो रही थी। अच्छा, और बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद क्लच प्लेट के बाद मैंने डिफरेंशियल में आपका 9:43 है अभी, ये रेशियो मेरे को अच्छी लगी क्योंकि टॉर्क बहुत अच्छा है। फिर क्लच की प्रॉब्लम आ रही थी, क्लच के लिए क्लच मैंने इसमें अलग अलग ब्रांड्स के भी ट्राई किए, नहीं हुआ। फिर इसमें आप क्लच यूज़ कर सकते हो, ये मैं बता दूंगा सबको ओपनली। इसमें अगर पावर के लिए चाहिए आपको, इसमें पिकअप वन जो नई आती है ना पावर प्लस, उसकी क्लच पेट एक्चुअली बड़ी होती है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट फिट है वो।
थोड़ी बहुत ट्विक्स है वो करने ही पड़ते हैं, नॉर्मल मैकेनिक कोई भी कर लेगा। हाँ। तो इसमें वो क्लच प्लेट डायरेक्टली लग जाती है। ओके। हाँ, क्लच का इशू वो सॉल्व हो गया मेरा। फिर पावर में अभी अगर देखा जाए जिस तरीके से इसको यूज करता हूँ, पावर जो आउटपुट है ये तोड़ती है चीजें, मतलब इंजन कभी स्टॉल नहीं करेगा। ओके। जो पावर है ये कुछ ना कुछ तोड़ देगी पर स्टॉल नहीं करता, डीआई इंजन है ये ऐसा। अगर ये पावर बैंड में आ गया अपना 2000 आरपीएम से ऊपर चला गया फिर ये चीजें तोड़ देगी लेकिन बंद नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी। और कैसे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई? परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली इसमें फ्यूल पंप इसका ज्यादा ऑल्टर नहीं कर सकता क्योंकि वो वही बात आ गई रीमैप में। हाँ। तो इसमें हल्का सा जुगाड़ सा किया था एक मैकेनिक ने ना, कॉइन फंसाया हुआ है इसके आगे स्प्रिंग के नीचे ना जो एक्टिवेट करता है पंप को, तो मे बी उससे हल्का सा लीक करता है क्या, मैं क्लेम नहीं करूँगा बट जो मेरे को लगता है पावर डिफरेंस है। मैंने औरों की बहुत लोगों की चलाई है क्योंकि अगर बड़ी रेशो है, बड़ी रेशो के बाद अगर आपको फर्स्ट गियर डालना है और उसको ओवर भी करोगे तो ज़्यादा स्पीड नहीं कैरी कर पाती, ये कैरी करती है ज़्यादा स्पीड थोड़ी, तो पावर डिफरेंस तो है। फिर वेस्ट गेट इसका बंद किया हुआ है टोटली। ये क्या है? वेस्ट गेट टर्बो का होता है कि जब एक्सेस बूस्ट बन रहा हो ना। हाँ। तो बूस्ट की इसकी स्टोरी है कि एक्चुअली इसका जो टर्बो है ना। हाँ। वो टर्बो इसमें पावर के लिए नहीं लगाया गया था। अच्छा। कंपनी से टर्बो लगा था दो रीजंस की वजह से, एक तो स्टार्ट नहीं होती थी। हाँ। दूसरा ये हल्का सा बूस्ट दिया इसको ताकि इसके इमिशन बेटर हो जाए, काला धुआं ना मारे। ओके। तो जो टर्बो है आई गेस इसमें KO3 और K3O कुछ ऐसा टर्बो है, वो काफी गाड़ियों में लगाया और वो बहुत अच्छा केपेबल है। हाँ। इसका बूस्ट प्रेशर बहुत कम है। अच्छा। तो मैंने बेसिकली बाकी चीजें तो वही बात आ गई कर मैं कुछ सकता नहीं था। हाँ। मैंने इसका वेस्ट गेट बंद कर दिया। वेस्ट गेट बेसिकली टर्बो में होता है जब आप एक्सेस बूस्ट बनाओगे मतलब हाई आरपीएम पे, तो जो ज्यादा हवा बन रही है उसको रिलीज कर देता है। ओके। वो मैं रिलीज इसमें होने नहीं देता, जितना बूस्ट बन रहा हो मैक्सिमम इंजन पे जाता है। अच्छा, वो फिर उसमें ही घूमता है। हाँ। घूमता क्या मतलब, बूस्ट बना रहा ना, जितना आपका एग्जॉस्ट चल रहा है। हाँ। जो एग्जॉस्ट फ्लो है उसी से हवा बननी है। हाँ। तो अगर इंजन के लिए वो एक्सेस लगती है, एक्सेस में पॉइंट ये कि अगर फ्यूल मेरा ज्यादा होगा तो हवा भी ज्यादा चाहिए तभी पावर बनेगी। हवा के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग है शायद से डिफरेंस तो आया है, अब मैंने एग्जैक्ट कोई डायनो टेस्ट नहीं किया कुछ नहीं किया तो मैं क्लेम तो कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ काफ़ी कुछ किया है इससे तो लगता है पावर डिफरेंस बहुत है। ओके। तो बस यही सब चीज़ थी? हाँ यही है, बाकी तो इसमें अभी। ओके। और डिफरेंशियल का तो रेशियो बता रहे हैं, एक बार वो भी एक्सप्लेन करो ऑडियंस के लिए। डिफरेंशियल का रेशियो बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे अगर 1147 है ना तो आप ये समझो मान लो जो पावर आपकी फर्स्ट गियर पे थी ना, सॉरी सेकंड गियर पे थी, अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, अगर टॉर्क है मान लो नॉर्मल है। हाँ। ये 1143 है जो इसका स्टॉक था। हाँ। तो इसके फर्स्ट गियर में जितनी पावर थी 944 करने के बाद रफली उसके आसपास सेकंड गियर में पावर है। ओके। तो नॉर्मली मेरे को जरूरत नहीं पड़ती फर्स्ट गियर डालने की, और अगर जैसे शिमला में यहाँ पे ज़्यादा गियर शिफ्ट करने ही नहीं पड़ते, मैं इसको अगर थर्ड गियर पर कैरी करता हूँ, थर्ड गियर पर ज़्यादा नहीं तो ये 100 किलोमीटर तक थर्ड पर ही चले रहा हूँ। अच्छा। वो एक स्पेसिफिक स्पीड मेरे को मिल चुकी है कि बिल्कुल आइडल से उठानी है। हाँ। और एक 60-70 तक थर्ड गियर कैरी कर लेता है। अच्छा, तो क्या सजेस्ट करोगे रवि, मतलब एक बार जरा वो भी बताओ कि लोगों को ट्यून वगैरह कराना चाहिए या फिर एक मैनुअली भी हम परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, या दोनों तरफ सोचो? टारगेट है कि मैनुअली जितना हो जाए हो जाए, ECM वगैरह का तो क्या है किसी दिन जिस दिन पैसे होंगे उसी दिन जाके करवा लूंगा, उसमें कोई टाइम। पर रिलायबल ECM एंड रिलायबल थोड़ी बार किया नहीं है तो सुनी सुनाई बातें है कि हाँ रिलायबल नहीं है, उसी वजह से मैं रिस्क नहीं कर ले रहा क्योंकि मेरे पास पहले ही लिमिटेड बजट है। हाँ। जो कमाता हूँ इस पे लगाता हूँ। हाँ। तो मैं इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मैकेनिकल में इजी भी है करना, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। स्प्रिंग्स थे, ये स्प्रिंग 10-12 हज़ार के, तो एक बारी में कर लिया। अच्छा। वेरस रीमैप के लिए काफ़ी चीज़ें चेंज भी होगी फिर प्रॉपर करके, फायदा ना ऐसे नहीं कि हाँ स्टेज वन कर दिया थोड़ा सा बूस्ट मिल गया, उतना आएगा इस स्टॉक में भी देरी होगी। अच्छा, तो ये जरा टायर्स की भी कहानी बताओ यार, टायर्स भी काफी बेहतरीन वाले लगा रखे हैं मैक्सिस के MT। तो आई वुड लाइ, मेरे टायर्स मैं मैक्सिमम लेता हूँ सेकंड हैंड, मेरे टायर। हाँ। या तो मैं बर्नआउट में खत्म कर दूंगा। अच्छा। इसका मैं इजीली क्लेम कर सकता हूँ, जिस टाइम पे बर्नआउट्स आने शुरू किए थे उस टाइम पे तो शायद से इंडिया में पहली होगी जिससे बर्नआउट मारे थे। अच्छा। हाँ जी। कब की बात है? 2-1 साल पहले। अच्छा, ठीक है। देखा नहीं था मैंने किसी का, बाकी होगा आई डोंट क्लेम कि ये वन एंड ओनली है, पर शायद से ये हो सकता है। अच्छा, कितने का बड़े फिर सेकंड हैंड ये MT? यार अलग अलग रेट मिलता है हर बार, एक कभी किसी फ्रेंड से ले लिए तो 10-12 हज़ार के भी मिल गए। अच्छा। नहीं तो दो बार डलवाए मैंने नए सेट से, इसमें नया सेट कॉस्ट करता था मेरा अराउंड 60। नया सेट की तो चलो बात है, अब बड़े की प्लानिंग है तो बाकी देख। एग्जॉस्ट की हमने यहीं से इसकी एग्जिट करी है, तो आई वुड से ये 2-3 महीने चलाता हूँ मैं एग्जॉस्ट की, मेरे को अलग ही खा देगी, कभी कुछ आवाज़ सी है कभी कैसी आवाज़। तो डीजल में कैसे साउंड निकल रहा है फिर?
डीजल में निकल जाती है साउंड, साउंड निकालना बेसिकली आपको थोड़ा सा इसकी R&D करो, ढूंढो चीजें कि कैसे करना है, एग्जॉस्ट बनता कैसे है, आसान करो लोगों के लिए ना, ये लोगों को R&D चलो लोगों ने करनी है तो कर लेंगे। तो अब जो समझेगा साउंड का कि एग्जॉस्ट बनता कैसे है, हाँ। और वो कैसे साउंड डैम्प करेगा, कैसे मोटी आवाज आएगी, कैसे पतली आएगी, हाँ। वो पूरा सर्च करो गूगल पे, सब कुछ मिलता है, बहुत ईजी है करना। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हाँ ये है कि जुगाड़ देसी होते हैं। अब ग्लास वूल नहीं मिल रही तो उसकी जगह जो आपकी स्टील वूल आती है बर्तन धोने वाली, वो भी यूज़ करता हूँ मैं, मेरे को कोई शर्म नहीं है। जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ साउंड बन रही है ना, इन दी एंड इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। तो इसमें क्या किया है फिर अभी यार, खुद का बनाया हुआ एंड कैन है। अच्छा। और बाकी ये स्ट्रेट पाइप है, कैट वगैरह कुछ भी नहीं, स्ट्रेट पाइप है। और बेसिकली एक और चीज़ मैं बोल दूँ, जितने भी लोग बलेरो वाले, अगर कोई चाहता है कि पावर मिले, इसके एग्जॉस्ट को कुछ भी कर दो, कोई पावर नहीं पड़ेगी एग्जॉस्ट से, एग्जॉस्ट वाली साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। आई डोंट नो, मैंने भी US और कहीं बाहर की कोई वीडियो देखी थी, उसमें वो लोग डाइनो टेस्ट कर रहे हैं इसको। तो डाइनो टेस्ट करते हुए बेसिकली ये तो आती नहीं बाहर, बाहर आती है रॉक्सर महिंद्रा की, जो यही है M2DI आएगी उनको दी जाती है, वो रोड लीगल नहीं है। ओके, तो वो गाड़ी को वो डाइनो पे करते हैं, दे आर टेकिंग इट अप टू 250 हॉर्स पावर वगैरह इसी सेम इंजन से। अच्छा, वो पूरे का पूरा ECM अपना बनाते हैं। अच्छा, तो उस लेवल तक की चीजें तो हमारे पास है नहीं। हाँ। जो पॉसिबल है वो कर रहा हूँ, पर एग्जॉस्ट से कोई एग्जॉस्ट से उसमें क्लेम्ड है मैंने, और खुद भी मैंने सारी पाइप्स लगाई है। अच्छा। पाइप से सिर्फ ये है कि एक साउंड आती है तो लगता है थोड़ी पावर ज्यादा है, बट पर्सनली आई बिलीव पावर तो नहीं बढ़ती इसकी एग्जॉस्ट से। साउंड सुना एक बार, एक बार वैसे खड़ी में, आई नो कि स्टैंडिंग में वाली आवाज ही है खड़ी में, तो खुद से बना रखा है एंड कैन, ये भी बेहतरीन। इसकी आइडलिंग पे वैसे होती है, अभी तो थोड़ी देर में, थोड़ी देर में वैसे शुरू हो जाएगी। ओके, सही है ब्रो, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है ठीक है। तो हमने इसका ये बंपर चेंज किया, बैक बंपर नहीं, नहीं ये स्टॉक बंपर स्टॉक है, पर ये टेल लाइट हमने चेंज कर रखी है। टेल लाइट बेसिकली, टेल लाइट अच्छा वो है, ये रिफ्लेक्टर्स, ये बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं आता। हाँ। मेरे को कुछ नया चाहिए था, मेरे को एक्चुअली इसके इंडिकेटर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये लाइट भी ट्रक की है। ओके, जो चीज समझ में आई वो कर ली। पर भाई अभी एक चीज पूछना मेरा बहुत बनता है, अभी बहुत जरूरी बचा भी हुआ है कि ब्रो ये पेंट, ये पेंट की क्या कहानी है? ये पेंट है मतलब, मैंने अभी ध्यान से देखा कहानी, टू बी ऑनेस्ट इसका ये था, बीच में मेरा एक फ्रेंड था, उसको गाड़ी देनी थी। हाँ? रेंट पे, तो वो जो जिस बंदे की गाड़ी थी वो मना कर गया। अच्छा। एग्जैक्ट टाइम पे तो उसने रिक्वेस्ट किया, कहते आप दे दो आपकी गाड़ी है। हाँ? और मैं देता नहीं था, पर मैंने उस दिन गाड़ी दी फ्रेंड को। हाँ? कहते हम पे भी कर देंगे, ले भी जाएंगे। हाँ? मैं कहा चल दोस्ती है ले जा, कुछ नहीं होगा। बट हुआ वही, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को कॉल आता, भाई गाड़ी पलट गई। आज तक मैं उस बंदे से नहीं मिला जिसने गाड़ी पलटाई थी। हाँ? मेजर कुछ नहीं था इसमें, बस साइड छिल गई थी। अच्छा, तो फिर इसको कराते कराते सेटअप, तब से लेके सब कुछ हॉच पॉच है, इंटीरियर तक नहीं करवा पाया मैं अभी तक। पर पेंट उसके बाद ही हुआ है? हाँ, पेंट उसके बाद हुआ। ये वाला पेंट मेरे को कुछ खास इतना जमा नहीं, तो ये इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। पर यूनिक है मतलब, अच्छा लुक तो देता है, जितना लुक तो देता है। पर हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कलर मेरे को चाहिए था मैं खुद नहीं कर पाया उस टाइम। हाँ। क्योंकि एग्जॉटिक कलर बनाता कौन है, कोई भी नहीं। एक्सपेरिमेंट में कुछ थोड़ा भी इधर उधर हो गया। हाँ। हल्का सा डार्क शेड पे होना था। पर यार देखो, वीडियो हम ज्यादा से ज्यादा लंबी देखेंगे इन डेप्थ, मतलब मैं चाहता हूँ तुम लोग, ऑफकोर्स 17 मिनट हो चुके हैं वीडियो बन, अभी कोई समय नहीं है बोलने का, पर हाँ खाना लेके बैठ के एंजॉय करो अपना, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, सबसे मेन क्या है, मुझे ऐसा लगता है भाई आज तक इससे सुंदर, ठीक है, इससे एग्रेसिव बुलेरो मैंने देखी नहीं है। मुझे परफॉर्मेंस और कुछ तो बताओ कि क्या लगता है, कितना टॉर्क बड़ा होगा, कुछ अंदाजा। यार अब ऐसे मैनुअली तो बोला नहीं जा सकता। हाँ, शायद अगर ये 60-65 हॉर्स पावर थी, ज़्यादा नहीं तो 75 तक तो चली गई होगी। और टॉर्क, टॉर्क 200 प्लस होगा, 195 है इसका स्टॉक। ओके, 210 प्लस तो होगा, क्योंकि मेरे को नए वाली से तो ज़्यादा पावर लगती है इसमें। जो नया छोटा इंजन आता है 1.5 थ्री सिलेंडर है, वो है किस 3 या 4 है, मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को वो पसंद नहीं है। तो उसमें उससे है कि ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि मेरा क्लच भी झेल रहा है, ये तो अभी टायर्स है, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर ख़राब हो जाते हैं। आई एम प्लानिंग फॉर 40 या 42। ओके, अगले साल तक, क्योंकि मेरे पास अभी तो कोई है नहीं बजट, तो अगले साल तक आई विल गो फॉर समथिंग बिगर, और फिर मेरे को 4x4 करवानी है।
क्योंकि अगर ये 4x2 में इतनी कैपेबल है तो 4x4 में मेरे को इसका 4x4 पता ही कि मेरे पास पिकअप होती थी पहले, वो एक्चुअली इससे ज्यादा लिफ्टेड थी। अच्छा, उस पे इससे ज्यादा मतलब मिनिमम इससे 6 इंच तो ऊपर थी, इससे 6 इंच ऊपर। इसका फेंडर अगर यहाँ पे है तो वो रफली यहाँ थी। अच्छा, उस पे मेरे को मेन तो उससे मैं थोड़ा हुआ था कि बलेरो ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था पावर आउटपुट क्या मिलेगा एंड वो थोड़ी रॉ ऐसी है कि बेसिकली तो सामान ऑफ रोडिंग करनी है अगर हिमाचल में, सामान आपको हिमाचल के शिमला में भी अगर एग्जैक्ट चाहिए कुछ भी, आपको ये नहीं पता कि मिले या ना मिले आउट ऑफ स्टॉक हो किसी के पास, तो वो चीज है। तो ब्रो 4x4 पिकअप वाले का ही लगाएंगे है ना, जो पिकअप बेसिकली पिकअप का ही सामान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये पिकअप को बॉडी लगाई गई, सीट्स लगाई गई और बेच दी। और इसमें एक चीज बहुत गंदी की, इसकी जो पट्टे थे इसके पट्टे सस्पेंशन से फार बेटर थे। अच्छा। अपग्रेड नहीं किया है कंपनी ने, डिग्रेड किया है इसको। हाँ। मतलब इसमें अगर सबसे घटिया चीज हुई है तो इसमें सस्पेंशन डाल दी गई आगे। अच्छा, ये इतनी बुरी है, इसमें बॉडी रोल बहुत ज्यादा है, मेरी में तो खैर है नहीं। हाँ। मेरा तो बॉडी रोल ऑलमोस्ट खत्म है बलेरो के कंपैरिजन में, बट बॉडी रोल मतलब कमानी ही सही था फ्रंट में एनी डे। ठीक है ब्रो, एक बार जरा इसका ना सिस्टम भी दिखा देते हैं साथ साथ, फिर गाड़ी में बैठते हैं। अभी इसका है नहीं इसमें, ये तो सिर्फ फॉर द टाइमिंग जो चल रहा है। हाँ। ये इसका सिस्टम कस्टमाइज पेटी भाई ने बना रखी है। ठीक है, स्पीकर्स एंड ऑल है पाइनर के, एंड ये वर्किंग है नीचे वाले सब वर्किंग है। एक्चुअली इसका सेटअप नहीं है ना, तो जो टूट गया है इसमें बचता है अंदर। डू वेयर योर सीट बेल्ट फॉर सेफ ड्राइव। ये चलो अच्छी चीज है, पर ये क्या है, आफ्टर मार्केट लगवा रखा है क्या? नहीं नहीं, कंपनी से आता है। सही में? हाँ, ये OEM है इसका, टॉप मॉडल में आता था बलेरो के, अभी भी आता है इस टॉप मॉडल में। पर ऐसे बोलता भी है मतलब वॉइस के साथ? हाँ हाँ, इसका भी बताता है, सब कुछ बताता है। सही ब्रो, इसकी पावर चेक करते हैं जरा, इसका दिखाओ सीन ना। साउंड तो इसका यार एक ही सेकंड में सेम गियर है सेकंड भाई। अरे बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन थोड़ी तगड़ी ड्राइविंग हो जाए ना एक बार, पर सेफली करेंगे दोस्तों। अरे भाई रवि मतलब ठीक है काफी बेहतरीन यार, इतनी इसकी हैंडलिंग पलट जाएगी। मैं वही देख रहा हूँ मतलब ऐसे कैसे, अरे बेहतरीन। इसको आप चाहे ऐसे ही किसी में भी चढ़ा दो, मतलब भाई ये क्या सीन है, ये बॉडी रोल वगैरह कैसे इसमें पूरा खत्म कर दिया? आप जैसे इस पे चढ़ा नहीं, ये 4x2 अभी हम तुम लोग तो एक और मजा देने वाले। देखो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ना ज्यादा से लाइक करो, तुम्हारा भाई हिमाचल है, तुम लोगों को बेहतरीन एपिसोड ऑफ कोर्स गाड़ी का दिखाने। अरे भाई कुछ क्रेजी करने वाला रवि, फ्लाई बाय दिखाने वाले हम, और क्या पावर है इस गाड़ी में। मतलब मैं बोलना चाहूँगा ब्रो दोस्तों, दो चीज़ मैनुअली आती ना, वो चीज़ ऑफ कोर्स ट्यून अलग है, मैनुअली ये सब करने का सीन अलग है, सबकी मतलब सब चीज़ सही है, पर इंजॉय करो ठीक है ना। मिहिर गलत के एपिसोड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आओ मजे लेते हैं। ठीक, स्पीड देखो, पावर देखो भाई, बेहतरीन। एक कैमरे में वो चीज़ें फील हो आती है ना, तो वो अलग ही नेचुरल आती है। रवि क्या बोलना चाहोगे, कुछ हम मिस आउट कर रहे हैं इस वीडियो में? मिस आउट करने को तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो काफी कुछ होना है। कितने एक्सट्रीम्स में कहां कहां गए हो? मैंने देखा है कुछ रैली वगैरह, क्या था वो एक मैंने स्टिकर देखा था गाड़ी में, जो पहले के स्टिकर्स थे वो रैली ऑफ चंबा गया था मैं इसको लेके। अच्छा, मतलब एज ए पार्टिसिपेंट नहीं बट एज एन ऑफिशियल। अच्छा, तो कैसा मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता है अगर ऑफ रोड वगैरह भी करते हैं एक्सट्रीम में? मेरे लिए तो आई वुड से 4x4 की जो कमी थी, अगर बेसिक ऑफ रोड करना है मतलब थोड़ा बहुत है उसमें, तो आई किसी कभी भी नहीं रुकी। इनफैक्ट जहाँ 4x4 फंसी है कई जगह वहाँ भी निकली है, वहाँ भी निकली। तो मैंने बोलेरो को स्टार्टिंग से सुना है तो ठीक है, सही है, देख लो। मतलब मैं तो चाहता हूँ तुम लोगों को हर जगह का कार सीन दिखाऊं, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर जगह का बुलेरो ओनर्स बहुत विभिन्न टाइप के ओनर्स है बुलेरो के, मैं देखता हूँ कुछ लोग कॉस्मेटिक में ध्यान देते हैं, कुछ लोग ऑफ रोड बना रहे हैं, सब्जेक्टिव है सबका अलग अलग टेस्ट है। तो ब्रो एट लास्ट हम मुझे लगता है एक बार सिस्टम के साउंड को सुना देते हैं। ठीक है, सुनाना है या फिर? नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनाने में, जरा बता दो क्या क्या इसमें सिस्टम में पहले था और अभी क्या क्या है। पहले तो मेरे पास 4 सब वूफर्स थे पायनियर के D4। ओके, 308 था एक मेरे पास, मतलब पूरी सीरीज थी 305 306 307 308 306 नहीं था मेरे पास,
उसकी जगह मैं फोकल यूज करता था 4 सब वूफर से पहले, okay. 4 सब वूफर और 4 एम्प्स, ओके. अब तो करंटली अभी इसमें 6 होल्स है, 2 नॉर्मल स्पीकर्स है आगे एंड अभी एक बेस ट्यूब है. वन इंडिया क्लेम करोगे तुम? वन इंडिया और क्लेम करोगे तो क्या इसमें ऐसा है जरा, वो भी परफॉर्मेंस को लेकर क्लेम करोगे क्या, एक बार वो भी बता देना. नहीं, क्लेम करने को तो आज सच कुछ भी नहीं है क्लेम, मैं क्योंकि अब पूरा इंडिया तो एक्सप्लोर किया नहीं है. हाँ, ठीक है. हाँ, अभी तक जो देखा नहीं है कि इस पावर फिगर्स में इससे पावरफुल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस 4 स्पीड हो. जो 4 स्पीड है वो बहुत ज्यादा टॉर्क की है, ये 5 स्पीड है, 4 स्पीड में टॉर्क ज्यादा है. और अगर किसी के पास 4 स्पीड 4x4 है वो नेक्स्ट लेवल है. जैसे इनकी है 4 स्पीड, क्या नाम है, हितेश भाई की, ये बहुत अच्छी है. ओके, ऑफ रोडिंग के लिए तो फिर टॉक चाहिए ना आपको, बेसिकली हॉर्स पावर का कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो बेस्ट बोल सकते हैं कार एक तरीके से 4x2 में, अगर 4x4 का मजा लेना है तो 4x2 में आई वुड से एक्सट्रीम. हाँ, बेस्ट का पता नहीं लेकिन एक्सट्रीम ट्राई कर लिया है इस पे. अच्छा, और कुछ मिस आउट कर रहे हैं हम वीडियो में ऐसे, तो तुम्हें लगता है कि यार अपनी कार? बाकी तो कुछ भी नहीं है, स्नॉर्कल है, बेसिक सी चीज, लाइट्स है, ठीक है, इसमें बार लाइट है, ठीक है, बेहतरीन. बाकी कुछ नहीं, पर ये ए ट्रेंड्स की बहुत पुरानी बार लाइट है, ये भैया ने दी थी मेरे को एक. हाँ, तो इसका आउटपुट तो है कि ज्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर रेंज इसकी आराम से. अच्छा, अगर ये दिन के टाइम इतनी ब्राइट है. सही से, पर मुझे लग रहा है यार रवि तुम भी काफी पहले से इस फील्ड में, मतलब मैं बचपन से हिमाचल कार सीन में मतलब रिप्रेजेंट पहले से ही हो रहा है अपना. हाँ, बचपन से मेरे को गाड़ियों का शौक था. बाकी और जब जब इंस्टाग्राम में इस गाड़ी की रील आई है तो उठी है, मतलब ऑडियंस ने काफी प्यार दिया, मैंने भी इंस्टाग्राम में देखी है. हाँ, वही है, वो तो अब आप लोगों को ही पता है क्या दिख रहा है क्या नहीं है, सबका अलग अलग है, जो जिस चीज को सर्च कर रहा होगा उसको तो वही दिखा होगा. चलो सही, आप गाड़ियों में तो आ गया. एक बार जरा इसका नॉर्मल सा मतलब NCS साउंड में थोड़ा फील हो जाएगा ऑडियंस को कैसा सिस्टम है ये. बेसिकली अभी लाउड सेटअप है बाहर के लिए, अगर डिक्की खोल के रखेंगे तो इसकी साउंड बाहर बहुत ज्यादा आएगी, अंदर तो फिर भी कम आएगी. बाकी यार इस वीडियो में पे एंड करते हैं. रवि का अल्टा कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, मतलब अपने एपिसोड में सब कुछ मेंशन तो कर दिया गया ना, कुछ छोटा छोटा पॉइंट भी आप कर सकते हो मेंशन, क्योंकि बार बार हिमाचल आना होता है. छोटा मोटा पॉइंट एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे को मेरी वजह से मैं हमेशा हाई RPM पे चलता हूँ, आई वोंट से कि सब करे, बट अगर इसको नॉर्मली चलाया जाए इसकी माइलेज बहुत अच्छी है. अच्छा, ये अगर मॉडिफाइड भी है आराम से आपका 31-32 टायर है, सिर्फ क्लच का इश्यू आता है अगर आपने क्लच रिप्लेस करा लिया. हाँ, उसके बाद ये बड़े टायर्स में भी माइलेज आराम से देगी 18-20 चंडीगढ़ में. अरे वाह, प्लेन्स में 18-20 की देगी. चलो सही. हाँ जी, सही यार. बाकी चलो इस वीडियो में भी एंड करते हैं, लाइक कर देना एपिसोड को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, रवि का अल्टो को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और भाई ने जो अपना नया वर्कशॉप खोला भाई किस नाम से, वो द बूस्टेड गैरेज है, तो उसकी भी इंस्टाग्राम में डिटेल में इंस्टाग्राम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर तुम लोगों के पास कोई भी ऐसी मॉडिफाइड गाड़ी है, कुछ भी कस्टम कार है, मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मास्टर ब्रांड ID में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी से जरूर बनाएंगे. लेकिन अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स बेहतरीन. और कुछ बोलेंगे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू. चलो एंड करते वीडियो को, मैम ही बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय बाय. ऐसे करो, ऐसे साइनिंग आउट दोस्तों, थैंक यू.